अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ट्यूसडे तड़का। सबसे पहले तो आप सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। आज की वीडियो कोई कुकिंग वीडियो नहीं है, जैसे कि आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं आज एक चैलेंज वीडियो कर रही हूँ, ए टू जेड फूड चैलेंज, जिसमें मैं डिफरेंट फूड आइटम्स है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से खाऊँगी। जैसे ए से कोई फूड होगा तो मैं ए से उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, उस तरह से मैं ऑर्डर में ही खाऊँगी, कोई ऑर्डर स्किप नहीं करूँगी। ये मैं वीडियो जो है रमज़ान से एक दिन पहले ही शूट कर रही हूँ। आप लोगों को तो जब मिलेगी तो वो हो गए ट्यूसडे का दिन होगा, लेकिन मैं उसे एक दिन पहले शूट कर रही हूँ क्योंकि कल रमज़ान है और मैं कल कुछ नहीं खा सकूँगी दिन के टाइम। सो मैं रात को शूट कर रही हूँ और सो इस वक्त जो है रात के बज रहे हैं 11:25, अगर आपको सही से नज़र आ रहा है तो चले मैं अपना चैलेंज शुरू करती हूँ फ्रॉम द लेटर ए। सो ए से तो आता है एप्पल, लेकिन मैं एप्पल नहीं खाऊँगी क्योंकि इस वक्त मेरे पास एप्पल नहीं है, और मैं वही चीज़ें खाऊंगी जो मेरे घर में इस वक्त मौजूद हैं। लॉकडाउन की सिचुएशन है, जो भी घर में होगा मैं वो खाऊंगी। सो मेरे पास इस वक्त हैं सबसे पहले ए से आलमंड्स, तो मैं आलमंड्स खाऊंगी। और रूल ये भी है कि एक तो सीक्वेंस से खाना, और ये ज़रूरी नहीं कि मैं सारे जितनी क्वान्टिटी लूँ सारी ही मैं खाऊँ, बस मुझे सिर्फ खाना है जितना भी मैं खा सकूँ। सो मैं थोड़ा थोड़ा ही खाऊँगी क्योंकि कल सहरी है सुबह, और फिर मुझे सहरी भी करनी है कल, क्या मतलब कुछ घंटों बाद ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि 26 लेटर्स हैं हमारे पास, तो मुझे 26 शायद फूड आइटम्स खाऊं मैं, देखते हैं कितने खा पाती हूँ, और मुझे सहरी से पहले ही सारे खाने हैं। सो लेटर ए तो मैंने कंप्लीट कर लिया, आलमंड्स मैंने खा लिए, अब आती है लेटर बी की बारी। वैसे तो बी फॉर बॉल है, लेकिन बॉल तो ऑब्वियसली मैं खाऊंगी नहीं, सो मैं खाऊंगी बी से बिस्किट्स। मैंने टिक्की पैक लिया है, छोटे से 2 बिस्किट्स होंगे इसमें, सो बस मुझे ज़्यादा नहीं खाना, सो इसलिए मैंने छोटा सा पैक लिया है। दिखा रही हूँ कि आपको कि मैं खा रही हूँ, ठीक है। एक बिस्किट मैंने खा लिया है और ये दूसरे बिस्किट का लास्ट पीस है, सो इसे मैं खाती हूँ। तो जनाब इसी के साथ हमारा बी फॉर बिस्किट वाला लेटर हो गया ख़त्म। सो अब मैं खाऊंगी सी फॉर केक। मैंने छोटू सा पीस लिया है जिसको मैं फिनिश करूँगी, मीठा है बहुत, चलें खाते हैं। सी फॉर केक भी हो गया फिनिश, अब हम आते हैं डी फॉर दाल। सो मैं दाल खाऊंगी जिसमें ये इस तरह की दाल है, सो मैं खाऊंगी। शुक्र है नमकीन खाने को मेरा, क्योंकि मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैं 2 चीज़ें मीठी खा रही हूँ, आलमंड भी कुछ मीठे ही होते हैं। सो अब मैं खाऊंगी दाल जो है कि नमकीन, और चटपटी भी। लास्ट दाल बची है रैपर में, सो उसको भी खाऊंगी। सो लेटर क्या था, डी दाल ख़त्म हुई, सो अब जाएंगे लेटर ई की तरफ। सोचे मैं क्या खाऊंगी ज़रा, तब तक आप सोचें मैं इसकी तैयारी करती हूँ। सो मैं लेकर के आ गई हूँ लेटर ई, यानी एग, ई फॉर एग। सो ऑब्वियसली इसको मैं रॉ तो खाऊंगी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, सो मैं इसको करूँगी बॉयल, ठीक है। सो जनाब मैंने अपने अल्फ़ाबेट ई को रख दिया है बॉयल होने, और हम तब तक जब तक ये बॉयल होता है तब तक हम अपने अगले अल्फ़ाबेट एफ़,
यानी अब एफ की तैयारी करते हैं, जो कि मैं बनाऊंगी इससे फ्राइज़ आलू से। तो उसको हम जब तक वो बॉईल हो जाए तब तक हम उसको पील करते हैं और कट करते हैं, तो वो बॉईल हो जाएगा। सो गाइस, अल्फाबेट ए भी तैयार है और अल्फाबेट एफ भी। सो क्योंकि पहले ई आता है, सो मैं पहले ई खाऊंगी, मतलब एग खाने के बाद मैं लेटर अल्फाबेट एफ खाऊंगी, यानी फ्रेंच फ्राइज। फ्राइज के बाद बारी आती है अल्फाबेट जी की, तो मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। सो इसको मैं पीऊँगी। सो अल्फाबेट जी तैयार है, उसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद मैं पीती हूँ। इतना कुछ खा लिया है लेकिन अभी भी बहुत से अल्फाबेट्स रहते हैं, तो चलिए ग्रीन टी पी के कुछ थोड़ा सा हाजमा कर लेते हैं। जी के बाद आते हैं एच पर, यानी एच फॉर हनी। तो थोड़ी सी लूँगी, बहुत मीठी है। डन। अल्फाबेट एच यानी हनी के बाद आता है, यानी बहुत मीठा के बाद आता है अल्फाबेट आई यानी बहुत खट्टा। तो मैं खाऊंगी इमली। बहुत खट्टी है। आई के बाद आता है जे यानी जैम, जे फॉर जैम। चलो शुक्र है घर में थोड़ी सी जैम तो बची थी, तो शुक्र है, वरना फिर मैं जे से क्या खाती पता नहीं। तो चले इसको मैं खाती हूँ। डन। अब आती है अल्फाबेट के की बारी। सो के से किडनी बीन्स। सो मैंने इनको पहले से ही रखा था संभाल के कि मैंने इन्हें खाना है चैलेंज के लिए। वन ऑफ माय फेवरेट्स, जो पसंद है ये। के बाद बारी आती है एल की, और एल से मैं बनाऊंगी लेमनेड। तो जनाब मुझे लगता है मेरे पेट का बहुत कबाड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी मैंने लेमनेड पिया है और अभी मैं पीऊँगी एम से मिल्क। वैसे तो बहुत ऑप्शंस थे एम के मेरे पास, मैक्रोनी भी थी, मैगीज़ भी थी और मेलन भी घर में पड़ा हुआ है, लेकिन मैक्रोनीज भी बनानी पड़ती, मैगी भी बनाना पड़ता और मेलन को भी काटना पड़ता, तो सबसे ईजिएस्ट मेरे पास ये मिल्क ही था, तो इसको मैं ट्राई करूँगी। एम के बाद यानी मिल्क के बाद अब मेरी बारी है एन लेटर अल्फाबेट की। सो उसके लिए मैंने निम्को ली है, जो कि अभी मैं ले रही हूँ। ये मिक्स्ड निम्को है, दाल है, कुछ पीनट्स हैं और कुछ ये चिप्स हैं, तो इनको मैं खाऊंगी। तो
मैंने एन तक खा लिया है, यानी 14 अल्फ़ाबेट्स, या तो 13 हाफ होता है, तो मतलब हाफ से ज़्यादा अल्फ़ाबेट के मैंने फूड खा लिए है, मेरा पेट भर चुका है। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी। तो गाइस, छोटे से ब्रेक के बाद हमारा जो अल्फ़ाबेट बनता है ओ, यानी अन्य, शायद ये गंदा तरीन फूड होगा मेरे चैलेंज का। लेकिन ऑब्वियसली पूरा तो नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा ही उसका पीस खाऊंगी मैं। सेम, इसे मैंने कट कर दिया है और मैं इसको अब बाइट करूंगी। इसके बाद डेफिनेटली मैं ब्रश करने वाली हूँ। अभी तक मैं चबा रही और बहुत कड़वा सा प्याज था, पर्पल वाला, वो तो बहुत तेज़ होता है, वाइट वाला फिर भी अच्छा होता है, लेकिन घर पे यही था। किस्मत देखिए, इधर शुक्र है ओ के बाद पी आया, पी फॉर पीनट्स। सो मैं इनको छीलती हूँ और फिर खाते हैं। मैंने इतने से ही छीले हैं क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाने वाली। पी से पीनट तो मैंने खा लिए, लेकिन अब वो अल्फ़ाबेट आता है क्यों जिसके पास लेकिन अब वो अल्फ़ाबेट आता है जिसके लिए मेरे पास कोई फूड आइटम नहीं है, यानी क्यों। अगर आपको पता हो कि क्यों से क्या आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कि मेरे पास ऐसा कोई आइटम नहीं था, सो मैं इसको स्किप करूँगी। क्यों लेटर को स्किप, क्यों अल्फ़ाबेट को स्किप करने के बाद मेरे पास आता है आर, और आर से है रू ऑफ सा। अच्छा है, पिंग में पीऊँगी मैं। आर के बाद आता है एस, और एस फॉर शुगर, तो शुगर लूँगी मैं अभी थोड़ी सी। अल्फाबेट टी के लिए फिर हम जाएंगे चूल्हे की तरफ, सो टी फॉर टी मैं अभी बनाऊंगी, यानी चाय। टी फॉर टी तैयार हो गई है चाय, अब इसे पीने का वक्त है। डन, टी फॉर टी तो हो गई, लेकिन यार अब एक और अल्फ़ाबेट आ गया है जो मेरे पास नहीं है, यू। और मैंने सोचा था कि चलो मैं ए बी सी जाली मिलती है हमारे यहाँ वो मंगवा लूँगी, उसमें से यू लेटर निकल आएगा, अल्फ़ाबेट निकल आएगा, सो मैं वो यूज़ कर लूँगी ऐसा। लेकिन मेरी किस्मत देखें, वो भी नहीं था, ख़त्म हो गए थे, मिल नहीं रहे थे, वो पैकेट नहीं मिल रहा था, जालीज नहीं मिल रही थी, सो इसको भी स्किप करूँगी मैं। अब जाएंगे वी की तरफ, विनीगर। सो ये देख लें आप, वी से विनीगर, और मैं अब ये वाला कुछ एक ड्रॉप दो ड्रॉप्स हैं जो मैं चट करूँगी। बहुत खट्टा है। अब बारी आती है W, यानी वाटर, सबसे आसान फूड आइटम वाटर। चलो जी, पानी ही तो जीवन है, वाटर इज लाइफ। और सुबह से रोज़ा है तो पानी तो दिन भर नहीं मिलेगा, अफ्तारी में मिलेगा, क्या होगा एक्सैक्ट आप बताइए कि मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे तो नहीं पता कुछ भी भाई। और ना ही लॉकडाउन में कोई जाएगा बाहर के मेरे लेकर आए, और इस वक्त रात को कोई भी नहीं, सो एक्स भी जाएगा स्किप। अब सो एक्स के बाद आता है वाई, और वाई से आएगा हमारा योगर्ट, तो यही मैं खाऊँगी। जनाब, वाई के बाद आता है हमारा आखिरी अल्फ़ाबेट जेड। मैंने बहुत सोचा, बहुत सर्च किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला जेड से सिवाय जुकीनी के, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो क्या होता है क्या नहीं होता, तो मुझे लगा शायद मुझे ये अल्फ़ाबेट भी स्किप करना पड़ेगा। लेकिन अचानक मेरे दिमाग पे घंटी बजी कि यार कुछ और भी तो हो सकता है जेड से, एक और चीज़ है जिसका नाम बेशक उर्दू में कुछ और है लेकिन है तो जेड से ही ना, तो उसको मैं यूज़ करूँगी एज माई
फूड आइटम फ्रॉम जेड, तो वो है ज़ीरा, वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो मसालों में तो मुझे बहुत पसंद है। लेट अस ट्राई के इस तरह कैसा होता है। खानों में तो मैं खाती हूँ, पसंद है मुझे, लेकिन इस तरह से कैसा होता है फर्स्ट टाइम खाऊंगी। वैसे ही टेस्ट है जैसे खानों में होता है। इसी के साथ हमारा चैलेंज हो जाता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टर्न द ब्लैक थंब ब्लू, सब्सक्राइब टू योर चैनल बाय टर्निंग द रेड सब्सक्राइब बटन ब्लैक, क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस चैलेंज के बारे में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप फ्यूचर में ऐसे कोई चैलेंजेस देखना चाहते हैं तो बताइएगा, मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं ज़रूर करूँगी। और मेरे पहले चैनल नाज़ार गालो को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।